महीने लग जाएंगे इसके, ये ऊपर वाला दूसरा आपका दूसरा ड्रेन होगा, ऊपर वाला नहीं है प्लेनर। हाँ, वो वाला है हमारा पर्पल वाला, मिल जाएगा सब, पर कोई नहीं चला चल जाएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। कितना लग जाएगा दोनों को बताओ, कौन सा वाला लेना पहले फाइनल करो, कौन सा बता दूंगी, वो साइड पर्पल वाला। हाँ तो ये रेड वाला, ये वाला नहीं, वो ग्रे वाला, ये ₹300 का, और ये पिंक वाला ₹300 का पड़ेगा, ये तो ज्यादा का, ग्रे वाला बोल रहा है, ग्रे ₹300, ये ग्रे, और क्या ये अच्छा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मैं बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे पर्दा जो कमरे में लगी है और जो मेरे टांड पे लगी है उसके सेम टू सेम लगाऊं या अलग लगाऊं, ऑनलाइन लूं या ऑफलाइन लूं। वैसे ऑनलाइन थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था उसी कलर में, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मुझे लगा, पर अभी चीज़ का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, आप लोग मुझे बताना ना। मैं सो रही थी फिर मेरा पार्सल आया, दिखा पैसे, और ना गेट में चाबी लगी, भूल गई मैं, मेरा मेरा पार्सल चलते अंदर, चाबी लग गया, सो गई क्योंकि थक गए थे हम लोग स्कूल से आके। चलो देखते क्या है, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अच्छा कर रही हूँ वो सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत। अभी मेरा मतलब पहले तो देखिए, आजकल मेरा पंखा ख़राब हो गया, ये चले गए मेरे मोबाइल में, ये मैंने मतलब इसमें रियल वॉइस ओवर रखी थी पर वो भी गायब हो गई, मतलब फ़ोन भी मतलब साथ छोड़ रहा है, आवाज़ बंद हो रही है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे बोल रहे थे मम्मी पापा नहीं कुछ अच्छा खिला दो, तो फिर मैं उधर से ही मतलब स्कूल की तरफ से पर्दा वगैरह देख रही थी तभी आई, तो मैंने ये पैक करा ली। मेरा वीडियो 2 दिन का है, स्कूल से आई थी तब चालू कर लिया था, और वो तो खाते खाते मतलब ये गए हैं तो ये वहाँ घूम रहे, हम लोग भी घर में पार्टी कर ले और टीवी देखते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा दूर है, मैं नहीं डलाने जा सकती, यही आएंगे तब डलाएंगे, तो मैंने कल ही बताया था, गलियाँ भोंकना सकती ये। चलो तो कर लेते हैं काम स्टार्ट। ये मैंने ब्लॉग कब से स्टार्ट किया, 3:30 से 3:30 और मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ, उनको उतार के लेके आना है, वंशु यूनिफॉर्म रह गई है तुम्हारी, थोड़ा बड़ा लिखा करो, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। चलो मैं चाय पीती हूँ। तो ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट किया था, सोना को मैंने अच्छे से नहलाया, इन बाल धोए, मतलब और दिन तो ऐसे ही नहला देते हैं, मतलब बाल रोज़ रोज़ नहीं धोते, आज मैंने अच्छे से, और इनको मेरे से नहाने में बड़ा डर लगता है कि मम्मी रगड़ रगड़ के नहाई, मतलब कभी कभार खुद से नहा लेती पर अच्छे से नहीं नहा पाती हैं, तो मैंने इनके अच्छे से बाल धोए, अच्छे से रेडी किया और इनको एकदम से तैयार कर दूँगी, टिफ़िन वगैरह की बस बनाने की तैयारी है। और कल जब ये गए थे, कल जो मैंने बोला ब्लॉग स्टार्ट किया, उस दिन मैंने बस चाउमीन बनाई, वो मंगा के खा ली थी और रात को रोटियां सेक ली थी, कुछ भी नहीं बनाया था हम लोगों ने, क्योंकि वो ही हो गया था, सब्जी रखी थी रोटी रखी थी फिर क्या ही बनाते। तो फिर ये आ गए सुबह का टिफ़िन की तैयारी करने के लिए, मैंने देखी सारा स्लिप वगैरह साफ़ किया सारा कुछ, सब्जी मैंने पहले से ही काट के रख दी है, फिर वंशु ना लेट हो रही थी तो मैंने बोला पहले इनके लिए टिफ़िन बना लूँ, सब्जी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अगर सब्जी नहीं बन पाई तो टमाटर सॉस के साथ उनको कुछ तो रख दूँगी, लेट उठी थी तो मैंने फटाफट नमक की पूड़ियाँ सेकी, नमक की मतलब आटे में नमक को नमक डाल के गूँधा मैंने, यहाँ पर मैंने सारा मतलब घर में झाड़ू वगैरह जो सुबह के काम होते हैं वही। अच्छा अभी तो देखिए श्राद्ध आने वाले, अब मैं कोशिश कर रही हूँ सुबह उठूँ झाड़ू लगा के सिर्फ बाथरूम में घुस जाऊँ, नहा के मतलब गाय की चंदिया निकाल श्राद्धों में निकालते, वैसे तो देखिए रोज नहीं, क्योंकि नहीं निकल पाती, क्यों मैं आप लोगों से झूठ कहूँ कि हाँ रोज़ निकल जाती है,
रखी हुई रोटी दे देते हैं, क्योंकि सुबह ना 6 बजे 5 बजे उठो, 5 बजे ये जाते हैं, फिर 6 बजे वंशु जाती है, फिर 7:30 बजे ये जाते हैं, ऐसे मतलब भागम भाग हो जाता है। तो वंशिका के लिए मैंने पूरी सेक के रख दी है। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने फटाफट से बैंगन आलू की सब्ज़ी भी छोंक दी थी, क्योंकि देखिए 1 बजे छुट्टी, घर पर आते आते 1:30 बज जाता है, तो बच्चों को भूख तो लगी जाती है और वैसी चीज़ें दे नहीं सकते, रोटी सब्जी वेस्ट है। तो पूरी सेक दी थी मैंने फटाफट से। वंशु, आज पता है क्या हुआ, वंशु मुझसे पहले उठी थी, और उठ के ये नहीं कि मम्मी को उठा दे, खुद नीचे आके तैयार हो गई थी, फिर बोला मम्मी मैं तो तैयार हो गई। मैंने बोला नहीं, छुट्टी नहीं करा सकती, अभी एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं। तो बस देखिए कमरे की लाइट ऑफ है, ये मैंने वॉडियम लोशन मंगाया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वो चेहरे की मसाज करूँ। मेरा तो गर्मियों में बहुत ही हाल बेहाल हो जाता है, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा दिमाग चिड़चिड़ा होता है। बस तो मैंने थोड़ा सा स्क्रब वगैरह किया, सोना को मैंने नहला धुलाई दिया, वंशु की चोटी वगैरह बना दी, आज वो जाएंगी रिक्शे के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंगन आलू लहसुन प्याज सब कुछ तैयार कर लिए, लहसुन से तड़का देंगे, भरमा बैंगन बनाने थे फिर मैंने नहीं बनाए, पहले थोड़ी देर जब तो मैंने पूरी सेकी थी इनको ना, मैंने मतलब पानी में भिगो दिया था, सूखे बैंगन नहीं काटते ना, और थोड़े सूख भी गए थे तो थोड़े सही हो जाते। जीरा डाला मैंने, बच्चों के लिए चाय बनाई, हम लोगों ने भी चाय ली, मतलब मिनिमम ये है, देखिए सर्दियों के टाइम बच्चे नहाते धोते हैं तो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं ना, तो सही रहता है। सूखी मिर्ची, जीरा, लहसुन डाल के बैंगनों को मैंने कर लिए, कढ़ाई में ना बैंगन आ नहीं रहते, फिर मैंने बोला इसी में पूरी बनाई है, इसी में सेक देते हैं, अब बाद में आ ही जाएंगे। और देखिए मैं आप लोगों से हर बार कहती हूँ, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मेरे जैसी सब्जी बनाओ, ज़्यादातर सभी लोग देखिए मेरे जैसी ही सब्जी बनाते हैं, कुछ मैं आपसे सीखी हूँ, कुछ आप मुझसे सीख तो मैं आपसे सीखती हूँ, ऐसे ही मैं बोलती हूँ, किसी से मैं जोर जबरदस्ती नहीं करती हूँ। तो बोल रहे थे कि ऐसी सब्जी बनाती वैसी, देखिए हमारे घर में जैसे खाते हैं हम लोग वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए पहले मैंने इनको ढक दिया था, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी, भर गई थी ना कढ़ाई, तो इस वजह से फिर मैंने बाद में सब्जी पिचक गई बैठ गई, तो मैंने इसमें टमाटर तो पहले ही डाल दिए थे, हल्के हल्के से मसाले डाल दिए और इसको बनने के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़ी बहुत सी बनने को रह जाएगी तब इसमें अमचूर डालेंगे, और पूड़ियों के साथ बहुत सही लगती है, मतलब अच्छी लगती है। और सूखी सब्जी मैं तो चावलों के साथ कुछ भी हो मुझे दे दो मैं तो खा लेती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ काम वैसे ही पड़ो है, आराम कर रहे हैं स्कूल से आए के, जे ढूंढ रही है काय के बीज, 80 के बीज रखे इधर उधर हो गए हैं और ढूंढन में लिपटी हैं, आज ही लगे ही जाए भैया, आज ही उनको मुहूर्त निकलोगे। अरे आज छुट्टी है, चलो। तो यहाँ पे ये कल मैंने रात को सारे कपड़े धोए थे, इनको उतार के रख ले रही हूँ, ये ना जो कपड़े बांधने की रस्सी है ना ये ख़राब हो गई, इसमें से मैं झड़ रही है, गल गल के टूट रही है। अच्छा चलिए आप लोग, मैं वीडियो में बोलती हूँ मेरे उठपटांग के शब्द होते हैं तो आप लोगों को हंसी आती है, आप लोग बोलते हो पता है, आप लोग मैं वीडियो में इतना बोलती इससे ही आप हंसी आते, इससे भी ज़्यादा मेरी बातें फनी होती है। कभी मेरे घर आओ, मेरी गली वालों से पूछो मतलब मेरी कितनी मजाक करने की आदत है। यहाँ पर जैसे गाँव में शादी में मैं मजाक वजाक कर रहे थे तो सब लोग कमेंट कर रहे थे प्रीति ओवर एक्टिंग कर रही है, कुछ ज़्यादा ही वो करती हैं, तो वो ज़्यादा नहीं, मैं रियल में ऐसी हूँ, हर टाइम घर में मैं पूरी घर में हर टाइम अपने घर में हंसी मजाक करती हूँ। तो बच्चे अच्छे सारे चले गए, मैं रह गई हूँ, और ना अंदर का पंखा खराब हो गया है, अब ये आएंगे तब देखेंगे। एक दिन गए, दूसरा दिन है गए हुए, सच्ची में दाल रोटी का भाव पता चल गया, लेट उठी, रात को नींद नहीं आई, और खाने पीने का सारा ऐसे ही है, इनको इधर से उधर चीज़ें हो जाए इनको बिल्कुल पसंद नहीं, सब्जी थोड़ी फीकी और वैसी हो जाए तो पसंद नहीं, चाय बढ़िया नहीं बनी तो इन्हें पसंद नहीं, मतलब इनको सब परफेक्ट चाहिए होता है, तो आज ये नहीं है, तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं लग रहा है। एक दिन हुए हैं इनको गए हुए, अब देखो दो दिन हो गए, तो सब्जी निकाल लेती हूँ, सब्जी बन रही है, और ऐसे बैंगन आलू की सब्जी नहीं खाते, भरमा बैंगन आलू की सब्जी खाते, तो ए पति के बिना कुछ नहीं है, आदमी लोगों के बिना घर में कुछ नहीं है, क्योंकि हम लेडीज है तो कुछ भी खा लेते हैं, कोई कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, आदमी होते तो सारा काम टाइम टेबल से होता, ये है। चलो बाय।
चलो एक कप चाय बनाएंगे अपने लिए, मैंने बोला बातें कर ले। आप लोग बताना, आप लोगों के साथ भी ये होता है? मेरे साथ तो होता है, मैं अपनी बताऊँ, सभी के साथ होता है। हाँ, और हम लोग तो कुछ भी बना लेंगे, खा लेंगे, चलो ठीक है, चल जाए। आदमी सुबह के गए होते हैं, रात को आते, पूरे दिन काम धंधे में लगे होते हैं, हम लोग सोचते एक टाइम तो बढ़िया से खा लें। अब वो थे नहीं तो अरे कुछ भी, चलो ठीक है, रात को मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ऐसे ही सब्जी रखी थी, रोटी सेक के खा ली। और दिन में भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था बच्चों के लिए, जो कल माइक्रोनी बनाई थी उनसे ही पूरा दिन हो गया। नहीं तो सुबह अलग खाना बनता है, दोपहर में ये आते तब इनके लिए अलग रोटी सीखती है, शाम को अलग बनता है। कुछ लोगों को अटपटा लगेगा पर सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आदमी लोगों के बिना घर में ना काम वो रहता है ना कुछ रहता है। नहीं तो कह रहे ये ऐसा ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, ऐसे रहता है। चलिए कोई नहीं, आज आ जाएंगे खाने को, घर दौड़ रहा है, शाम को इंतजार रहता था बच्चों को भी, पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे, तो इंशिका तो रोने लगी थी। कभी रहते नहीं है ना, ना मुझे भेजते पियर, कितना कितना झगड़ा हो जाता हम लोग, आप लोग तो देखते ही हो। चलो सब्जी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी अच्छी बनती है, सब्जी निकाल के इसमें रख देती हूँ। अंदर का पंखा नहीं चल रहा है और जाम हो गया है। अमचूर डाल दिए बैंगन में, सूख रहे थे। आज लेट उठी तो ना सारा ऐसे ही काम हो गया। चलो अभी एक काम करते हैं, और हमारे घर आने वाले नन्हे मुन्ने से कौन, गणपति बब्बा, कल डेट लगने लग जाएगा, 7 तारीख की गणेश चतुर्थी है तो और भी ज़्यादा वो होगा, बिल्कुल भी हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। मैंने परसों के दिन बताया तो बहुत सारे लोग समझ गए थे कि प्रीति गणेश जी महाराज की क्या है, तो मीठा सभी लोग मिठाते हैं गली में, मैं मेरा ही नहीं सभी लोग, आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिएगा जाके। चलिए कपड़े तय करने, कुर्सी कपड़ों से भरी हुई है वो तय करेंगे। फिलहाल तो मैंने अपनी चाय बना ली है, क्योंकि थोड़ा सा ये है ना, चीनी डाली मैंने, चीनी डाली आप लोग, अरे नहीं डाली। पता है एक चीज मैं कहना चाहूंगी, YouTube पे सब लोग इतना कुछ करते हैं, अजीब वो गरीब वीडियो डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। हम यूट्यूबर कुछ शरीफ से डालें ना तो वो रास नहीं आता, हम कुछ भी किसी के लिए बोल दें मिर्ची लग जाती, आग बबूला हो जाते हैं। अरे हम भी तो सोशल मीडिया पे, हमें भी तो मतलब हर चीज़ में बोलने का हक है, हमें भी तो आगे बढ़ने का हक है। ठीक है, हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं, आप लोग क्या कहते हो? हमें किसी के फटेले काम नहीं आ रहा, चाहे झूठ हो अपने अपने उसमें खुश हो। हम तो ये चाहते हैं हमारी खुशी से दूसरे को खुशी मिल रही है तो अच्छी बात है, खत्म नहीं करते हैं, ऐसे बद्दुआ देते हैं। कल मुझे इंस्टाग्राम पे और उस पे भी ऐसे बद्दुआएं दे रहे थे जैसे मैंने उनके घर में चोरी कर ली हो। ठीक है, कसाई के कोसे कहीं पड़ रहा मर नहीं जाता है, ठीक है, हमारे में कहावत है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, 4-5 लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैंने वो कमेंट रिमूव नहीं किए, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पिछली वीडियो को, रिमूव नहीं किए। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन, इनको धो के और करेंगे। मुझे आज सूट लेके आने, कब कमरे का हाल दिखाती हूँ, कितना काम, बोतलें भरनी है अभी मुझे, और ये भी धो दिए इसका, ये मुझे दीवार पे लगानी है, और करवा चौथ की देखो मेरे, और मैं तो अपने घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है तो औरों के घर में क्या ही, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए फिलहाल तो काम करते हैं, और मैं तो यही कहूँगी आप भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहे, किसी को कुछ मत बोलो जो आप लोग उठपटांग के कमेंट करके जा रहे हो, ऐसे मत करो, ठीक है। फिर आपकी मर्जी, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया, सबके लिए नहीं कह रही, इक्का दुक्का के लिए, और जो मेरे लिए उस कमेंट में झगड़ा बहस करते हैं उनके लिए थैंक यू, पर किसी कुछ मत करो,
चलिए बहुत सारी बातें हो गई, मैं ये समेट लूँ थोड़ा सा।